जय सेवा दोस्तों, आज के इस वीडियो में बड़ी ही दुखद के साथ बताना पड़ रहा है कि देवास जिले के नेमावर थाने में पदस्थ टीआई यानी टाउन इंस्पेक्टर नगरी निरीक्षक श्री राजा राम बसकुले जी की निधन हो गई। बड़वानी जिले के ग्राम कोड़िया निवासी 3 स्टार टीआई राजा राम बसकुले की नदी में डूबने से मौत के बाद गाँव व पूरे शहर क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। शव यात्रा के दौरान गांव में राजा राम बसकुले जी की अमर रहे नारे गूंजे। नदी तट स्थित मुक्ति धाम पर देवास व बड़वानी जिले के अलावा पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल एवं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन सहित अन्य जन प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि मूल रूप से ग्राम कोड़िया के रहने वाले राजा राम बसकुले देवास जिले के नेमावर थाने पर पदस्थ थे, जिनकी रविवार को नदी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल उन्हें ड्यूटी के दौरान जामनेर नदी पर बने स्टाफ डैम में एक लाश होने की सूचना मिली थी। उन्होंने पानी में कूद कर उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। उसके बाद फिर से उन्होंने नदी में उतरकर उस शव को निकालने की प्रयास किया। इस बार वो वहां भंवर में फंस गए। उसके बाद वहां मौजूद जवानों और ग्रामीणों ने रस्से की मदद से उन्हें निकाला और अस्पताल में ले गए, जहां से उन्हें हरदा अस्पताल में रेफर किया गया। फिर वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। बता दें कि 3 स्टार टीआई राजा राम बसकुले जी ने विशेष रूप से अपने ड्यूटी की भूमिका निभाई थे। साथ ही साथ यह भी बता दें कि बड़वानी जिले के छोटे से गांव कोड़िया के साधारण किसान परिवार में जन्मे जाबंज सिपाही परिवार में माता पिता पत्नी व 2 छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गए। दोस्तों, राजा राम बसकुले जी ने ड्यूटी में तैनात वीर सपूत के रूप में अपनी भूमिका निभाई और एक शव को निकालने के चक्कर में उनका पैर भंवर में फंस गया। कुछ टाइम तक पानी में डूबे रह गए। इस कारण से एक वीर सपूत अपनी जान की आहुति दे दिए। दोस्तों, इस घटना की सूचना मिलते ही वर्तमान सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि बहुत ही दुखद घटना हुई है। टीआई राजा राम जी ने कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया। मैं हमारे ऐसे बहादुर साथी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राजा राम जी के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, इसलिए उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। दोस्तों, ऐसे महान वीर सपूत के लिए आपके मन में क्या विचार विमर्श है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गोंडवाना की बात पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। साथ ही साथ हम सब प्रकृति शक्ति फ्रापेन से अर्जी करते हैं कि राजा राम बसकुले जी की आत्मा को शांति प्रदान करें। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय जोहार।